हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक रेडमी 6 है जो एमटी के चिपसेट है। उसमें ये फ़ोन एक डेड कंडीशन में आया है कोई टेक्नीशियन के पास से, तो इसके अंदर ये हो रहा है कि ये एक ऑटो पोर्ट बना रहा है। हम जब भी इसको फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक कंप्यूटर के अंदर ऑटो पोर्ट बना रहा है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में अगर आपके पास जो फ़ोन आता है ऑटो पोर्ट बना रहा है, तो आप सबसे पहले स्टेप क्या करते हो? सबसे पहले स्टेप तो हमारा फ्लैशिंग होना चाहिए। अगर हमारा फ्लैशिंग में पूरा फ्लैश लेता है और उसके बाद भी फ़ोन ऑन नहीं होता, तो हमारा ये काम डायरेक्ट ईएमएमसी पे चला जाता है। अगर यहाँ पे कोई इरर आता है तो इरर वाइज एक अलग अलग टाइप के इरर्स आते हैं, उस वास्ते हम एक एक हर एक इरर को चेक करेंगे। तो पहले अगर आपको ये डायरेक्टली अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है, आपके पास काम आया इस तरह का, तो आप डायरेक्टली ईएमएमसी के ऊपर काम नहीं करते ना, डायरेक्ट आप सीपीयू रिमूव करके रिवॉल्व करते हैं ना पावर ऐसे चेंज करते हैं। हम पहले तो फ्लैशिंग करके देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लैशिंग से हुआ है या किसी अदर टेक्नीशियन ने इसको फ्लैशिंग करके गलत फाइल लगा के डेड भी की करा हो सकता है। तो ये हिसाब से हमें तो नहीं पता ये बाहर क्या हुआ है। तो हमारा काम जो होता है, तो हम पहला स्टेप तो हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। अगर ये फ्लैशिंग होने के बाद भी अगर नहीं होता है तो हम इसको ईएमएमसी के अंदर ऑन करेंगे। तो इसको हम कैसे करके ऑन तो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये, तो पहले चेक करेंगे हम, आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर में जैसे मैं यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, फ़ोन को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बोल के एक पोर्ट बना रहा है और यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमटी के यूएसबी पोर्ट एक पोर्ट बना ले रहा है डायरेक्टली, और ये पोर्ट स्टेबल है, ऐसा भी नहीं है कि पोर्ट लेके छोड़ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा चीज़। तो फ़ोन में यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, फ़ोन पूरा डेड है और पोर्ट यहाँ पे बन के है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसका किसी ने फ्लैश करके डेड किया होगा, या हो सकता है इसका ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ा होगा, या हो सकता है ईएमएमसी डेड भी होगा। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप करना है कैसे काम करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। तो फ्लैशिंग करने के लिए इसकी आपकी फाइल टूल और ड्राइवर सारा रेडी होना चाहिए। तो ड्राइवर्स ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक फाइल जो है इसकी डेस्कटॉप पे रखा हूँ, कैक्टस इमेज, ग्लोबल इमेज जो हमारी फाइल होती है कैक्टस, ये रेडमी 6A का फाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फाइल यहाँ पे मीडियाटेक की है। उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे टूल है, फ्लैश टूल से हम इसको एसपी टूल से फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसपी टूल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसपी फ्लैश टूल भी है, टूल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया है, और इसके अंदर हम सिंपली फाइल को लोड करेंगे। हमारी जो फाइल होती है डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैक्टस ग्लोबल इमेज जो कि वर्जन 10.mi हुआ है, 10 वर्जन है हमारी। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ हमारी यहाँ पे फाइल लोड हो गई है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं, एक फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड है, फॉर्मवेयर अपग्रेड है, डाउनलोड ओनली है। हम इसमें से कोई भी ऑप्शन लेके फ्लैश कर सकते हैं, डाउनलोड ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं हमारा ये फ़ोन डायरेक्टली कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक एरर आ गया है, स्टेटस सेट ऑथ फाइल नीडेड, मतलब इसको बाईपास करने वाला टूल मैंने इसको बाईपास नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले ऑथ बाईपास करना पड़ेगा, एक टूल आता है एमटी के बाईपास टूल, तो उससे पहले आपको बाईपास करना होगा, उसके बाद ही ये टूल से हम फ्लैश करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन को डिसकनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एमटी के बाईपास टूल पड़ा हुआ है, मैं इस टूल को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल ओपन हो गया है, एमटी मीडियाटेक बाईपास टूल, एमसीटी टीम की तरफ से टूल है ये, क्रैक वर्जन का। अब इसमें हमें करना यह है कि इसमें कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, ओनली बाईपास पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें जो सपोर्टेड मॉडल लिस्ट आती है ये खुद ही इसको ऑटो पे टारगेट करके कनेक्ट कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे हम बाईपास पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग फॉर ब्रोम मोड में वेट करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम पोर्ट कनेक्ट करते हैं। देखो किस कंडीशन में ऐसा है, अभी ये ऑटो पोर्ट बना रहा है, अगर ऑटो पोर्ट नहीं बनाता तो आप वॉल्यूम अप की दबा के इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका ये पोर्ट बना लेगा।
तो हम यहाँ पे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन डिजेबल हो गया है, बाईपास यहाँ पे ऑथ बाईपास कर दिया है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है नाउ यू कैन यूज्ड बाय एनी फ्लैश टूल और डोंगल। अब आप कोई भी इसका फ्लैश टूल या डोंगल से काम कर रहे हो तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूल को मिनिमाइज़ कर दिया, इसको कट नहीं करना, इसको मिनिमाइज़ कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश टूल को ओपन कर लेते हैं और वही सेम प्रोसेस जैसे हमने फाइल लोड की थी, और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ कोई बिना अथॉरिटी, और यहाँ पे देख सकते हैं चिप इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। ये चिप इन्फॉर्मेशन जब आता है जब आपका MMC कनेक्टेड है फ़ोन से, या अगर आपका MMC ठीक से कनेक्ट ही नहीं है ड्रॉप डाउन केसेस है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। आपको समझ लेना है कि MMC हमारा ठीक से कनेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं चिप इन्फॉर्मेशन भी आ गया, फ्लैशिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है, कोई टाइप का एरर नहीं आया है। तो हम वेट करेंगे पूरा फ्लैशिंग डन होने तक, उसके बाद देखते हैं हमारे फ़ोन में ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पूरा वीडियो आप पूरा इंड तक देखिए कि ये फ़ोन किस तरह बनेगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो इंड तक देखना होगा, ना वीडियो को स्किप करिए ना कुछ करिए। और ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो कि पहली बार जो काम कर रहे हैं, फ्रेशर है या इस फील्ड में वो सीखना चाह रहे हैं, हमारे वीडियो से कुछ सीखना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, ना कि कोई पहले से 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है और वो बताना चाह रहा है कि नीचे कमेंट आके करता है कि सर हम ये तो ऑलरेडी करते हैं। तो ये आप अकेले के लिए नहीं होता है, ये बाकी लोगों भाई जो हमारे होते हैं फ्रेशर्स, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो जो ऑलरेडी जानता है ये सारा प्रोसेस तो ये वीडियो को पहले स्किप कर देना है, आप ये वीडियो मत देखिए। और जो बंदे हमारे से वीडियो से कुछ सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मोस्ट मस्ट वेलकम है। और हमसे और कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो हमारे फोन फिक्स को ज्वाइन कर सकता है। हमारा नेक्स्ट बैच 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू एडवांस जो कि हमारा 20 डेज का कोर्स होता है। आप इस बैच में हमारे पास हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नीचे नंबर दिए हुए स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल करके इसमें और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस पर सीट बुक भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास MMC प्रोग्रामिंग फ्लैशिंग USB से डायग्राम, हमारे पास स्कैमेटिक डायग्राम भी आपको प्रॉपर वे में समझाते हैं, हैंड स्केल डबल डिक्कर सारा कुछ इसमें ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड आपको सागर सर का पूरा टेक्निक मिल जाएगा, ट्रिक जो ट्रिक्स होती है सागर सर की हैंड स्किल के बारे में और हमारे फेरो सर के बारे में जो है, तो आपको पूरा थ्योरी की नॉलेज दिया जाएंगे जो कि डायग्राम से जितने भी आपको स्कैमेटिक है या जो भी आपको लाइन ट्रेस करना है हर एक सेक्शन वाइज एकदम डीप में आपको समझाते हैं। और बाद में हमारी जो सॉफ्टवेयर MMC की क्लास होती है हमारे पास भी बेसिक से बताया जाता है, ना कि कोई डायरेक्ट MMC निकाल के प्रोग्रामिंग करके नहीं दिखाते डायरेक्टली, हम उसको बेसिक से बताते हैं, फ्लैशिंग के टूल ड्राइवर वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल करना हम बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हुआ, फ्लैशिंग तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक बार यहाँ पे फ़ोन में चेक करते हैं कुछ हमारा यहाँ रिस्पॉन्स हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार देखते हैं क्या होता है। एक बार बैटरी रिमूव करके देखता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ चार्जिंग लगा के, तो अभी तो इसमें फिर से वही कंडीशन दिख रहा है जैसे कि पोर्ट आ रहा है। फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ये फिर से यही सेम कंडीशन होगा तो आपका EMMC हेल्थ प्रॉब्लम 100% इसके अंदर वही प्रॉब्लम है और ये जो फ्लैशिंग हुआ है ये हमारा फेक फ्लैशिंग बोला जाएगा। तो इसके लिए हमें अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है, EMMC निकाल के इसको फुल प्रोग्रामिंग चेक करेंगे, पहले हेल्थ में प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद हम आपको लाइव आगे का बताएंगे। तो चले आते हैं, हम MMC यहाँ पे रिमूव करते हैं और इसके बाद हम आपको MMC के हेल्थ वगैरह सब चेक करवाएंगे। इसके अंदर आप MMC देख सकते हैं कौन से ब्रांड की लगी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे SK हाइनिक्स का MMC लगा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा हेल्थ MMC में प्रॉब्लम आती है। तो ये MMC पे मुझे ज़्यादातर 99.9% हेल्थ का शक आ रहा है, डाउट आ रहा है, इस पे ना हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसका IC निकालेंगे और इसका IC निकाल के UFI बॉक्स में कनेक्ट करके आपको लाइव बताएंगे कि इसका आगे का नेक्स्ट में कैसे इसको रिपेयर करके ऑन करेंगे। तो आगे के लिए बने रहना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसका MMC निकाल दिए, जैसे कि इसके पहले USB से हम जब फ्लैश कर रहे थे तो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया था बट हमारा फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में MMC इसकी रिमूव कर दी, यहाँ से आप देख सकते हैं Redmi 6A का बोर्ड वही है, हमने यहाँ पे आपको बताया था SK हाइनिक्स का MMC है। तो यहाँ पे SK हाइनिक्स का अभी इसका हेल्थ चेक करेंगे हम, और आपके सामने यहाँ पे UFI बॉक्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका टूल ओपन कर लेंगे, UFI EMMC टूल बॉक्स को हम ओपन कर लेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पे टूल ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ पे ओके क्लोज, और ये टूल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हम ये MMC इसके अंदर चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है क्या, जो फ्लैशिंग में करने के बाद भी सेम कंडीशन में फ़ोन है। तो नेक्स्ट हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले तो हम फ्लैशिंग करके देख लिए, नहीं हुआ। सेकेंड हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ थोड़ी सी क्लॉक स्पीड कम करके देखेंगे, और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई MMC कर लेते हैं, देखेंगे हमारी MMC डेड है। अगर डेड है तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपकी IC तो डेड नहीं है, MMC यहाँ डिटेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 GB बता रहा है स्टोरेज, जो कि 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है सॉफ्टवेयर की। और ये एक डेड बूट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो है एक डेड में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो हमें दो चीज़ें दिख गई है कि यहाँ पे एक तो आपका डेड बूट में पड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पे फ्लैश फाइल भी नहीं है। लेकिन अब एक बार और एक चीज़ चेक करना रह गया है कि एक बार हेल्थ हम चेक कर लेंगे IC का। तो यहाँ पे मैं सिंपली हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ जो है MLC और SLC में जो हेल्थ होती है यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है, जो कि SLC तो 0 to 10 में है, लेकिन जो MLC की हेल्थ है वो 80 to 90 हो गई है। और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये MMC में प्रॉब्लम आ रहा था और ये फ्लैशिंग हो रही थी बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो ये वन टाइम पॉसिबल है इसके लिए, SK हाइनिक्स का MMC है, हम इसका हेल्थ रिपेयर वन टाइम कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किसी और ने बनाया है नहीं बनाया है हेल्थ रिपेयर, तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पे जब आइडेंटिफाई करते हैं IC को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है पॉसिबल का मतलब ये होता है कि आप हेल्थ रिपेयर अभी कर सकते हो। अगर जब मैं हेल्थ रिपेयर कर लूँ तो यहाँ आएगा कंप्लीटेड और इसका कलर कुछ और होगा, ऑरेंज कलर में होगा। अभी तो यहाँ पे ग्रीन कलर में और पॉसिबल के लिए आंसर दे रहा है, मतलब किसी और टेक्नीशियन ने इसको काम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको अभी इसका फुल डंप रीड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसका सॉफ्टवेयर वर्जन शो कर रहा है, कभी शो कर रहा है कभी नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका सबसे पहले बैकअप ले लेंगे, क्योंकि बैकअप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप बैकअप नहीं लोगे तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका सिक्योरिटी बैकअप लेंगे, IMEI नंबर का बैकअप ले लेंगे। आते हैं यूज़र एरिया पार्ट में, और आपको यहाँ पे जितने भी पिंक कलर दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब वो फाइल होती है जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। तो हम ये सारे फाइल को रीड कर लेंगे, जैसे कि FRP को रीड कर लेंगे, NV डाटा को रीड कर लेंगे, और यहाँ पे Protect 1 Protect 2 भी है लेकिन उसको पिंक कलर नहीं दिया हुआ है, तो ये UEFI का एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप इजीज अटैक में चेक करेंगे तो Protect 1 और Protect 2 भी हमारे पिंक फाइल में आती है, और ये IMEI 1 और IMEI 2 का काम करती है। तो यहाँ पे ये UEFI ने तो नहीं दिया, लेकिन हम इसको फिर भी टिक लगा लेंगे और उसको रीड कर लेंगे। बाकी के जितने भी पिंक कलर के हैं वो रीड कर लेते हैं सारे एक एक टिक लगा के, NVRAM को भी कर लेंगे। और ये कस्ट फाइल है 512 MB का है, तो इसको रीड अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम यहाँ से इसको रीड कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे रीड करते वक्त में कुछ एरर आने वाला है, आप देख सकते हैं ये हमारा फेल्ड हो गया। तो इसमें आप इस कंडीशन में कभी फंस जाती हो कि रीड नहीं हो पा रहा है तो सर करना क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप पूरे सेटिंग ऑटोमेटिक कर लेना, ये सॉरी ऑटोमेटिक वाली हटा के मैनुअल सेटिंग कर लेना है। VCC को 2.8 रख लेंगे, VCCQ 1.8 रख लेंगे, और पहले से क्लॉक स्पीड कम किया हुआ है तो यहाँ पे बस स्पीड को भी हम 1 बीट में रख लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद मैं फिर से पिंक फाइल को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सारे पिंक फाइल को टिक लगा लेता हूँ। और नेक्स्ट हम आते हैं NVRAM पे, और इसके बाद यहाँ पे हम रीड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखते हैं कोई टाइप का एरर हमारे रीड करने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम यस कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये रीड हो रही है, आप क्लियर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टाइमिंग ज़्यादा बता रहा है, इसके अंदर एक कुछ बग्स है, हम इसको फिर से कैंसिल कर लेंगे और इसकी जो फाइल रीड हो रही है उसको इरेज करके हम फिर से इसको रीड करेंगे सेम कंडीशन में। तो हम आते हैं PC में, और हमारे जहाँ पे फाइल रीड हो रही है UEFI के बॉक्स में, UEFI फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद MMC में चले जाएंगे,
उसके बाद Xiaomi में चले जाएंगे जिसमें हमारा ये फाइल रीड हो रही है। तो आप देख सकते हैं 6A का एक फोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर यूजर एरिया पार्ट में हमारी यहाँ पे फाइल रीड हो रही है। तो इसको हम पहले फोल्डर को डिलीट करके फिर से रीड करेंगे, इसकी वजह से हमारी ये टाइम ज़्यादा बता रही है। तो यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिए और आते हैं फिर से बॉक्स पे और फिर से हम यहाँ पे रीड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी हाई हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं FRP की फाइल एकदम फटाफट रीड हो गई है। फिर से एक बार क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी यहाँ सारी फाइल रीड होनी स्टार्ट हो गई है। FRP की फाइल रीड हो गई, अब NV डाटा की फाइल रीड हो रही है, यहाँ पे 3 सेकेंड में हो जाएगी। उसके बाद वन बाय वन करके सारे फाइल हम इस तरह से रीड करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, अगर आपका प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आ जाती है कई जगह पे, अगर फाइल रीड होने में फेल हो जा रही है तो हम यहाँ पे उसको मैन्युअली सेटिंग इस तरह से करके हम उसका बैकअप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार बैकअप रीड हो गया, उसके बाद हम इसको फाइनली इसको रिपेयर कर लेंगे, हेल्थ रिपेयर कर लेंगे, फ्लैशिंग कर लेंगे और उसके बाद इसका जो हमने सिक्योरिटी फाइल रीड किए हम इसको वापस से राइट करके फ़ोन को नॉर्मली ऑन कर लेंगे। तो वेट करते हैं यहाँ पे सारी फाइल रीड होने तक, उसके बाद हम इसका डंप रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको इरेज कर देंगे और इसके बाद हम इसकी हेल्थ रिपेयर करने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे और उसके बाद हम इसकी सिक्योरिटी फाइल डाल के फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो बनिए रहिए पूरा वीडियो इंड तक, देखिए कि क्या क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपके पास फ़ोन आता है तो आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा बोर्ड अभी थोड़ा सा कूल हो गया है और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे फ़ोन हमारा ऑन हुआ, क्योंकि हमने पूरा इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा वीडियो बता दिया कि कैसे हमने इसको स्टार्टिंग में जो ऑटो पोर्ट बना रहा था तो वो सारा प्रोसेस हमने इसका हेल्थ के कारण ये हमें पता चला कि इसके अंदर MMC हेल्थ प्रॉब्लम था। तो सारा प्रोग्रामिंग करके हेल्थ रिपेयर करके अब इसको हम यहाँ पे MMC को फिक्स कर दिए है। अब यहाँ पे चेक करते हैं सिंपली बोर्ड में, यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ मैं फ़ोन में कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे सारे कनेक्टर्स लगा लेता हूँ और एक बार इसको ये भी लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम हमारा ये ऑटो पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है, एक बार चेक करेंगे, क्योंकि पहले ये ऑटो पोर्ट बना रहा था। आप देख सकते हैं वही फ़ोन हमारा सेम है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चार्जिंग लगाता हूँ तो यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी MI का लोगो स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, चार्जिंग का लोगो भी आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहले जो कंडीशन में आया था जो कि पूरा फुल डेड था और ये ओनली यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट बना रहा था, जैसे चार्जिंग लगाते या कंप्यूटर कनेक्ट करते ही पोर्ट बनाने लगा। तो उसके बाद हमने इसको फ्लैशिंग भी करके देख लिया कि अगर हो सकता है फ्लैशिंग से प्रॉब्लम होगा, तो हमने फ्लैशिंग भी करके देख लिया और पूरा फ्लैशिंग कम्प्लीट भी हो गया था, बट इसमें प्रॉब्लम सेम के सेम कंडीशन थी जो कि फेक फ्लैशिंग बोलते हैं हम जिसको। अब इसके अंदर अभी हम हेल्थ MMC निकाल के हेल्थ रिपेयर कर लिए, अब इसको हमने ऑन भी कर लिया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ गया है, अब सिंपली इसको हम ऑन करके देखते हैं, जैसे कि MI का लोगो आ गया है। तो देखेंगे अगर यहाँ पे हमारा सेकेंड लोगो अगर आता है तो हमारा फोन कम्प्लीटली ऑन हो गया, इसका मतलब। तो देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड लोगो भी आ गया है हमारा, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड लोगो भी आ गया है और यहाँ हमारा फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो दोनों भी आके हमारा यहाँ पे फोन बूट होने लगा है। वेट करते हैं हमारी वेलकम स्क्रीन आने तक। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेट फोन, इस पर लिख के आ रहा है कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे रिसेट कर लेंगे क्योंकि एक बार उसको वाइप भी करना रहता है यहाँ से। तो एक बार वाइप कर लिए हमने, इसको रिसेट फोन कर लिए, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि ये 6A का प्रोसेस है, हम इसको सेम एज सारे फोन MI के हो या कोई भी कंपनी का फोन आपका हो, सेम एज हम इस तरह से इसका प्रोसेस कर सकते हैं। और इस तरह से हम उसका डंप, अगर डंप लेके करना है, अगर ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का अगर फोन होगा तो आपको डंप लेना पड़ेगा, मिनिमम 500 MB या 1 GB का डंप लेना होगा। अगर आपका MI का फोन है, अगर आप डंप रीड नहीं कर पा रहे तो सिंक आप सिक्योरिटी फाइल को रीड कर सकते सिंगली, और आप फ्लैशिंग करके सारे वापस फाइल डाल के ऑन कर सकते हैं। तो ये MI के अंदर प्रोसेस है। अगर आप वीवो में करना चाह रहे हो तो आप, ये पॉसिबल नहीं है, उसको आपको बूट करने के लिए डंप लेना बहुत कंपलसरी होता है। तो अब यहाँ पे वेट करेंगे इसको ऑन होने के लिए, देखते हैं हमारा फोन ये कम्प्लीटली इस प्रोसेस में ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बस बताना था कि कोई भी फोन सेम एज कंडीशन में होगा तो हम उसको ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं इजीली, इजी वे में। आपको UFI का बॉक्स या EZI का बॉक्स चाहिए तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। अगर आप सोचेंगे, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, UFI का बॉक्स नहीं है, EZI का बॉक्स नहीं है, जो MMC प्रोग्रामिंग करने वाले बॉक्स नहीं है, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपका कस्टमर या आपके शॉप से चला जाएगा रिटर्न। अगर आप खाली UMT लेके फ्लैशिंग करने वाले हो या अनलॉक टूल से फ्लैश करोगे, बस आप इतने ही चीज से काम करोगे तो आपका काम बस उतना ही होगा जितना आप कर रहे हो। अगर आपको 100% काम करना है, पूरा MMC को प्रोग्रामिंग भी करना है, या हमारे पास कोई भी कस्टमर आ रहा है तो रिटर्न नहीं जाना चाहिए, तो पूरा आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए और पूरी ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हमारे पास कस्टमर सेटिस्फाइड होकर चले जाता है। नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि हम नहीं कर पाते और हमारे बगल वाला जो शॉप होते हैं उसके पास बॉक्स होगा, वो बना के दे देता है, फिर सेकंड टाइम हमारे पास कस्टमर बैड इंप्रेशन से आएगा और या फिर आएगा भी नहीं। तो ये चीज़ होती है, आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी है, तब जाके आप एक फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई डायरेक्ट हमें सोल्यूशन देने वाली चीज़ नहीं होती है, हमें खुद एक वन बाय वन करके खुद से ही प्रोसेस करनी होती है, तब जाके हमें एक प्रोसेस पता होती है कि ये फ़ोन को करने बनाने के लिए हमने क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या हमने प्रोसेस की है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, अभी भी ये सेकंड लोगो पे है, MI का है और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टार्टिंग का सेकंड लोगो आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, जैसे कि फॉर्मेट हुआ या फ्लैशिंग हुआ या प्रोग्रामिंग होने से आपका फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फोन टाइम लगता है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ गई है, MIUI 10 का लिख के आ गया है, इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया इंडिया, नेक्स्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, इंडिया रीजन्स को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी सेटिंग रीजन्स हो रहा है, वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता, कुछ एक मिनट का भी टाइम ले सकता है।
तो जैसे कि नेक्स्ट हो गया है, हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमारा 100% वैसे प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, फ़ोन हमारा पूरे तरीके से ऑन हो रहा है। अब पूरा ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप को मैं आपको बता दिया कि ऑटो कोड अगर आपके पास फ़ोन आता है तो आप क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया गया होगा कि एक फ़ोन कहाँ कहाँ से बन सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर खाली फ्लैशिंग से बनेगा, अगर वो हेल्थ में पड़ा होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, तो आप फ्लैशिंग से 10 फाइल 100 फाइल भी आप फ्लैशिंग कर दो तो भी आपका प्रॉब्लम सेम एज रहेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको MMC के बॉक्स वगैरह लेना ही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हमारे पास क्लिक करिए, तो आपको नोटिफिकेशन आता जो भी हमारे पास वीडियो बनेगा तो आपको सबसे पहले इस वीडियो आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।